कौन है? मेरा नाम इमरान शेख है, मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। मेरी अकोमोडेशन गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज के अंदर है, 3 साल से वहाँ मैं लगातार मेरी अकोमोडेशन। पहले मैं एज ए स्टेट सेक्रेटरी के पद पे जो बीजेपी के साथ काम कर रहा था 3 साल के, उसके बाद 6 मंथ्स मुझे अभी हो गया है बीजेपी को छोड़ के। अब मैं इंडिपेंडेंट के लिए पार्लियामेंट एक्शन के लिए तैयार, लड़ने के लिए पहले से मैंने तैयारी करके रखी है, लोगों के बीच में मौजूद हूँ, लोगों का सपोर्ट है। कौन सी सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं? पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए असेंबली अनंतनाग राजौरी। अच्छा, जी बिल्कुल, लोगों के बीच पहले ही मैं मौजूद हूँ, तो लोगों ने, अपने वर्कर्स ने मुझे मजबूर किया इलेक्शन के लिए। और जम्मू कश्मीर के बहुत सारे मुद्दे हैं, खासकर नौजवानों को यहाँ गुमराह किया जाता है, रोज़गार नहीं मिल रहा है नौजवानों को, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं नौजवानों के, हमारे बच्चों के बच्चियों के पास बड़ी डिग्रियाँ हैं, क्या नहीं करता एक माँ बाप अपने औलाद के लिए, उनको बाहर की यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन बदकिस्मत से ये कहना पड़ता है कि उसके बावजूद भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। बिल की PDD की तरफ, बिल की तरफ से परेशान किया जाता है, बहुत सारे मुद्दे हैं, एक एम्प्लॉय के से वही बिल जाते हैं, और दूसरे सेट से अगर हम एक रेडी वाला पे जो काम करता है रेडी पे, उस बेचारे के पास भी सेम वही बिल जाती है, तो बड़े नाइंसाफ़ी की बात है। सीनियर सिटीजन के लिए जो गवर्नमेंट ट्रैवल होनी फ्री होनी चाहिए, ये बड़े मुद्दे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर टोल फ्री होनी चाहिए, ये बड़े मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। जी आपने इसे इंडिपेंडेंट क्यों कंटेस्ट कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल बीजेपी में, आपने किसी और पार्टी तरफ क्यों नहीं रुक किया? जी बिल्कुल, हकीकतन में आज पार्टी में, अब बहुत सारे पार्टी इससे पहले भी थी, लोगों को गुमराह किया गया है, लोगों को वोटों के लिए इस्तेमाल किया गया है, लोगों का भरोसा उठ चुका है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि पहली बार मैं इंडिपेंडेंट। अब आपकी बीजेपी से कोई नाराजगी है, खुद अपनी मर्जी से छोड़? नहीं नहीं, अपनी मर्जी से छोड़ रहा है। बीजेपी के जो लोकल लीडरशिप है वहाँ मुझे एक्टिविटी नहीं करने दी है, उनको थ्रेट लगा, इसके साथ जो इधर जो लोग जुट जाते थे। और सबसे पहले मैं बात दोहराना चाहता हूँ कि मैंने हर धर्म को रेस्पेक्ट किया है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, या कोई भी हो, हर धर्म का मैं रेस्पेक्ट करता था। और सबसे पहली अच्छी बात है कि जो हमारे कुरान में भी कहा है और हमारे पैगंबर साहब ने भी कहा है कि किसी धर्म के खिलाफ हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, इस बात की हमारे इस्लाम में इजाज़त नहीं दी गई है।